साथियों नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज आपको ले चलता है विधानसभा जगाधरी जिला यमुनानगर में, जहां पर डॉक्टर सुलेख चंद जो कि विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में उनको खुला समर्थन यहां पर जनता से मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हर गांव में डॉक्टर सुलेख चंद का बहुत ही अच्छा रुतबा देखने को मिला और गांव-गांव में उनको जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अब की बार उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा जगाधरी में हम जीत हासिल करेंगे और हरियाणा में होगी बहन मायावती की सरकार। चैनल का और क्योंकि चैनल इस चैनल के माध्यम से ही गरीब लोगों की जाती है और ये समय समय पर हर इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लोगों की बातें सुनकर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काम कराएंगे। तो सर हम जानना चाहते हैं जो बीएसपी पार्टी है इसे आपका जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ वो कब से हुआ सर? मेरा लगभग बहुजन समाज पार्टी में साहब कांशीराम के माध्यम से साइकिल चलाते हुए मेरा उनके साथ संपर्क हुआ था। मेरी एक छोटी सी क्लीनिंग खिजराबाद बस स्टैंड पे है और उसी के माध्यम से मेरा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुलते रहते थे और साहब कांशीराम की साइकिल यात्रा में हमने पूरा सहयोग दिया। उसके बाद साहब कांशीराम जी खिजराबाद में आए और उनका हमने भरपूर स्वागत किया। तो बात की जाए सर खिजराबाद की, जिस विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी मूलभूत जो समस्याएं हैं इलाके की वो आपके सामने क्या नजर आई जो विपक्ष आज तक उसको पूरा नहीं कर पाया? विपक्ष सरकार तो कहती है कि हमने कोई भी समस्या हरियाणा में नहीं छोड़ी, लेकिन हरियाणा हम तो अपने विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा में इतनी समस्या है कि उनकी कोई गिनती कोई नहीं है, क्योंकि हर आदमी को पता कि समस्या कितने अजीब समस्या है विधानसभा के अंदर, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो मजदूर है किसान है, सबको बड़ी दिक्कतें हैं। तो सर जैसे तो हर पार्टी कहती है कि हम जनता के लिए रोजगार लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, बिजली पानी की समस्या नहीं होगी, किसान मजदूर को उनका हक और अधिकार दिया जाएगा, ऐसा क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में कि ये सब देश में देखते हुए पूरा नहीं हो पा रहा? कहीं किसान आंदोलन हो रहा है, कहीं बात की जाए आंगनबाड़ी वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन चल ही रहा है जब से सरकार आई। सरकार को तो 5 साल पहले और 5 साल अब के ये आंदोलन में बिगड़ गए हैं, क्योंकि ना हर मजदूर किसान आंदोलन करने पर उतराऊ है क्योंकि उनकी समस्याएं नहीं हल होती। सरकार तो कहती थी कि मैं बिना खर्ची और पर्ची के सारे कार्य करूंगी, लेकिन जो काम 5 रुपए में होता था आज वो 5,000 में भी नहीं सरकारी काम हो रहा, तो लोगों की समस्याएं समस्या भरी पड़ी है और मजदूर किसान तो बेचारे परेशान हैं, हलाचार हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर 2 महीने लगातार संघर्ष करती रही, सड़कों पर बैठी रही, लेकिन सरकार के काल में जो बिजोनी चलाई उसके बाद फिर आंदोलन चलता, मजदूरों का आंदोलन चला, उसके बाद कर्मचारियों का आंदोलन चला। आंदोलन तो सरकार में 5 साल हो गए पूरे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी आज लग किसी कर्मचारी की, किसी आंगनवाड़ी वर्कर की, किसी किसान मजदूर की कोई आवाज सुनी नहीं। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, यह नारा आपके प्रकाशित हुआ है, कितना इस नारे में 4-4 चांद लगे हैं और ये नारा कितना आप मानते हैं कि आपकी विधानसभा में सबका साथ सबका विकास हुआ है या नहीं? हमारे हल्के में तो सबका विकास सबका कोई भी आज लग कोई भी सब मजदूर किसान का क्या विकास होगा,
कि आप किसान का मजदूर जिम्मेदार का व्यापारी का विकास होगा। आज विकास तो सारे बस मुंडे मुंह पड़े हैं। बात करते हैं सभी गांव की, बहुत सारे गांव ऐसे आपके विधानसभा में आते हैं जिनमें अभी तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, और जिसकी वजह से पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होता तो वहां पर बीमारी पनपती है, बीमारी जब पनपेगी तो लोग बीमार होंगे। हम तो अपने खिजराबाजी की बात करें, पहले तो पानी की तो चारों हल्के के अंदर चारों तरफी निकासियां कहीं है ही नहीं है। किसी गांव में बाढ़ आ रही है, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। खिजराबाद में अभी बरसात के अंदर इतना फंड आया खिजराबाद के अंदर के घरों के अंदर एक डेढ़ डेढ़ फुट पानी बढ़ गया था सारे घरों में। तो बाबू मुआवजा दिया गया, जो फ्लड आया था वही किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। तो बात यह है सर, बहुजन समाज पार्टी यदि सत्ता में आती है हरियाणा में क्या सौगात जनता के लिए लेकर आएगी, क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या विकास कार्य आप करना चाहेंगे? आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से ही सरकार बनेगी। जो भी सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से बने बगैर रहते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा जनदार बढ़ता जा रहा है। और साथ में बहन जी बहन कुमारी मायावती जी का पूरा प्रसिद्ध पूरा देश है कि हर जगह अपना आंदोलन जो भी है जैसे भी है गांव गांव में गली गली में जाओ अपना विकास विकास के लोगों के देखो भी विकास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी है तो उसके विपक्ष में आज भीम आर्मी खड़ी हो चुकी है, क्या इससे कोई समाज को नुकसान होगा या पार्टी को कोई नुकसान होगा? बीमार होने का तो हमें बिल्कुल भी 1% नुकसान नहीं है, क्योंकि बीमार भी या दूसरी भी पक्ष के खड़ी करी हुई है, उन्हीं के लोग हैं, वही जहां मर्जी देख ले उन्हीं के लोग मिलेंगे। बीमार में हमें तो कोई ऐसा लगता नहीं कि बीमार में कोई जगाधरी में या हरियाणा में कोई नुकसान हो। क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार नहीं आ पाई और उनकी पहले सरकार थी, क्या जनता का रुझान चेंज हुआ है, क्या लगता है आप? पहले भी उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है और लोगों का पूरा विकास कर रहे हैं। आज लोग उस सरकार को बहन जी की 4 साल की सरकार को 4 बार की सरकार को याद करते हैं, और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। मैं हम ये बात दावे से कहते हैं, क्योंकि आज लोगों को पता लग गया है कि आज ये बीजेपी की सरकार लोगों को किस किस तरह से कैसे कैसे गुमराह करने पर उतराऊ है। तो हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री चाहिए, वो भी जाट मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पार्टियों में अपने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं लेकिन समाज की कोई फिक्र नहीं करते, तो ऐसा क्या लगता है आपको? आज देखने में जो आता है कि जाट मुख्यमंत्री के दावेदार हरियाणा में है, और पहले भी जाट हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं। हम तो एक बात जानते हैं कि जब भी सरकार हरियाणा में बनेगी तो बिना बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से नहीं बनेगी। उसमें जो भी मुख्यमंत्री का चयनित होगा वो तो बहन जी के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि बहन जी आज पूरी टिकी हुई नजर से हरियाणा में अपना बुरा दिमाग लगाए बैठी है। जनता ने आपको आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, क्यों नहीं ग्रोथ हो पा रही है, क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी का? तो हरियाणा के अंदर समय समय पर बहन जी बदलाव करती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे अच्छे कार्यकर्ता आगे निकलते हैं उनको बहन जी मौका देती है, ऐसी बात नहीं है। जो काम करने वाले हैं अच्छे कार्यकर्ता अच्छे पदों पर, जैसे हमारे प्रभारी सार हैं, 2 प्रभारी हमारे यहाँ लगाए हुए हैं, 3रे हमारे अध्यक्ष जी हैं श्लोकी जी, तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूरे रात दिन मजबूती से हर हलके में जाते हैं, हलके की मीटिंग ले रहे हैं और गांव स्तर पर भी जा रहे हैं,
इस वास्ते ना कोई बदलाव नहीं है, कोई बहुजन समाज पार्टी तो एकजुट है, एकजुट ही रहेगी और एकजुटता से ही अपना सहयोग दे रही है। आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा में कैसा, किसको आप अपने से हैवी मानते हैं, किसको आप टक्कर दे सकते हैं, कौन आपके बराबर में चुनाव लड़ सकता है, क्या रहेगा? लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों की जान देखते हुए, लोगों का सहयोग देखते हुए, लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और हमारी टक्कर तो वैसे मालिक ने चाहा तो किसी के हमारी कोई टक्कर नहीं है, हमारी तो एक अलग ही मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी की सीट शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी की 40 साल से बहुजन समाज पार्टी की सीट है और बहुजन समाज पार्टी की सीट बहुत ही मजबूती के साथ निकालेंगे, कोई टक्कर वाली कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद।